धर्म और अध्यात्म, इनको थोड़ा सा समझ लें। ये दोनों थोड़ी अलग अलग दिशाएं हैं। धर्म एक व्यवस्था है जिसके केंद्र में ईश्वर है। ईश्वर है, उसकी पूजा है, उसके पुजारी हैं, उसे ग्रंथ हैं, एक कर्मकांड है। और पुजापा है, यह एक धर्म की व्यवस्था है। अध्यात्म है जहां ईश्वर का कोई रोल ना हो, ईश्वर की कोई भूमिका ना हो। आत्मा है आधार जिसका, उसे कहते हैं अध्यात्म। और अध्यात्म का केंद्र परमात्मा नहीं, आत्मा है। उसी आधार पर, उसी आत्मा के आधार पर परमात्मा का मंदिर सृजित किया जाता है। तो अध्यात्म एक दूसरी दिशा है। कबीर साहब ने बहुत धर्म की बात नहीं की, बहुत धर्म की चर्चा नहीं की। उन्होंने जीव की चर्चा की, उन्होंने आत्मा की चर्चा की। और हम अपना जीवन कैसे बेहतर बनाएं, ये अध्यात्म का निचोड़ है। मंदिर की व्यवस्था ऐसे होती है कि मंदिर का पुजारी और मंदिर के भगत सब मिलकर के एक साथ देवता की पूजा करते हैं, गीत गाते हैं। लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म है अपने ही जीवन को व्यवस्थित बनाना और ऊपर उठाते चले जाना। वहां ईश्वर का कोई रोल नहीं है। कबीर साहब ने किसी परमात्मा, अलग से परमात्मा की बात नहीं की। साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे के ठौर। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। उन्होंने जो आत्मा की, परमात्मा की बात की ही, वो आत्मा में ही उन्होंने घटाया है उसको। यह है अध्यात्म, यह है कबीर साहब का ज्ञान। आगे विचार रखने के लिए हमारे बीच में आदरणीय संत श्री त्यागी साहब जी उपस्थित हैं। त्यागी साहब जी आएं और अपने कुछ विचार हम लोगों के बीच में रखें। आए सर। सर्व पारख सिद्धांत गोचरम विवेक ज्ञान सागरम अभिलाषम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्म्यहम्। अभिलाषम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्म्यहम्। मेरे व्यक्तित्व के पोषक दुर्गुण दुर्व्यसन, अविद्या के शोषक पारख बोध प्रदाता सद्गुरुदेव, गुरुपदासीन अति उदार चेता, निष्पक्ष निर्णायक, रहनी के धनी, महाविद, धर्मेंद्र साहब जी,
कुशल संचालक, दिलवर दिलावर, सौम्य सरस, उद्भट वक्ता, कुशल समीक्षक, परम प्रिय देवों में श्रेष्ठ देवेंद्र साहब जी, निष्काम निरामय अनहंकृत अस्थवीर महास्थवीर संत समाज, गारहस्थ धर्म कर्तव्य परायण देवियों एवं देवताओं, देश के भावी कर्णधार नौजवानों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का दिन गुरु पूर्णिमा, जिसमें गुरु गरिमा और गुरु पूजा मूल रूप से अनेक संतों ने इन दोनों विषयों पर विशुद्ध चर्चा लाभ हम सबको कराए हैं। गुरु का अर्थ भारी, प्रशस्त, लंबा, श्रद्धे बहुत अर्थ है। गुरु का अर्थ हम इस प्रकार से तीन भागों में बांट सकते हैं। गुरु वह है जो अपने पवित्र आचरणों, सद्गुणों से एवं रहनी तथा सत्योपदेशों से शिष्य को व्यवहार, पवित्र व्यवहार एवं यथार्थ आत्मबोध की ओर प्रेरित कर सके, ये पहली बात। दूसरी बात है गुरु दशा, जिसमें रहनी स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थित। तीसरा अर्थ है गुरु का शुद्ध चेतन। पहला अर्थ व्यक्तिवाचक, पहला अर्थ व्यक्तिवाचक, दूसरा अर्थ भाववाचक और तीसरा अर्थ परिनिष्ठित शुद्ध बुद्ध चेतन वाचक। इन तीन अर्थों में गुरु की गरिमा संपूर्ण रूप में समाहित है। अब इसका विस्तार चाहे घंटों और दिनों वर्षों तक चलता रहे, बहुत किताबें लिख दी जाएं, गुरु गरिमा समुद्र से भी गहरी है और अंतरिक्ष उसका और छोड़ना। पहाड़ की ऊंचाई कम है, आप कहेंगे क्यों,
पवित्र व्यवहार और अध्यात्म अखिल संप्रदायों में समवेत रूप से एक संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु की सर्वोच्चता महत्ता वो चाहे आर्य परंपरा हो या आर्य परंपरा के अंतर्गत जैनी बौद्धिस्ट वैष्णव आर्य समाजी वैदिक कबीरपंथी कहना ठीक नहीं रहता, पारखी कहना चाहिए, पारख सिद्धांत। ऐसे ही जो सामी परंपरा है जिसमें तीन मुसलमान, यहूदी और ईसाई, ये तमाम हिस्सों में बटे हुए हैं, इनकी चर्चा यहाँ निरर्थक। जिसको हम गुरु कहते हैं वे उसे पीर कहते हैं, और जिसको हम पहुंचा पूरा, कबीर साहब सदगुरु शब्द तो उपयोग करते ही है, लेकिन जिस साखी में गुरु की संपूर्ण गरिमा स्थित है उसमें कहते पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, उसी से ने लगाए गए मूल हुआ वैखो। ये तो इसके लिए अंग्रेजी में परफेक्ट प्रीचर, हमें कुछ आता नहीं अंग्रेजी, अंग्रेजी या तो नकल या पूछते हैं जो पढ़े लिखे हैं, कोई हम ज्यादा ज्ञानी ध्यानी नहीं, लेकिन आदत चाहे अच्छी हो या खराब पूछते रहते हैं, सबसे पूछते हैं, छोटे से बड़े से, मुसलमान से, ईसाई से, वैदिकों से, सबसे पूछते हैं, अपना कुछ नहीं। तो वे लोग ये पूरा साहिब के लिए परफेक्ट प्रीचर, और मुर्शिद रशीदार कामिल मुर्शिद ऐसे, थोड़ा हम साठ में साखी का अर्थ बता दे रहे हैं बस, पूरा साहिब से ये सब विद पूरा हो, कुछ से नेह लगाए के मूल आवे, जो बोध और रहनी दोनों से संपन्न, ऐसे सदगुरु की सेवा करो। और छिछले गुरु से अगर प्रेम करोगे जो अपना सबका मूल तत्व विवेक है वो भी नष्ट हो जाए। इसलिए यदि कोई पूरा साहिब नहीं पा सका है, सदगुरु नहीं मिला है, ये भी बात समझ लेना चाहिए, गुरु कोई अगर वैराग्यवान मनोनिग्रही इंद्रिय निग्रही है तो उसकी यहां उपेक्षा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए, छिछले गुरु से प्रेम लगा करके, या तो आप सारे गुरुओं से श्रद्धा खो देंगे, और या तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सब लोगों को चाहिए, बहुत लोग यहाँ पूरा गुरु पाए हैं, जो लोग पूरा गुरु न पाए हों आगे बढ़ें, और पूजा के लिए अन्न धन वस्त्र मीठा रुपया पैसा, साधुओं के जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको प्रदान करके अपने जीवन को कृतकृत और कृतार्थ करें। बोलिए सदगुरुदेव की।
हमारे बीच में वरिष्ठ संत श्री गुरु छेम साहेब जी उपस्थित हैं। साहेब जी से निवेदन है कि वो सभा को संबोधित करें। पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पधारे भक्त सज्जनों एवं श्रद्धामती देवियों, ये गुरु परंपरा शिष्य परंपरा लगता है बहुत पुरानी है और गुरु के बिना ऐसा लगता है कि संभव नहीं है हमारा जीवन। चाहे राजनीत हो या धर्मनीत हो, खेत जोतने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है तो ऊपर उठने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है, इंजीनियर बनने के लिए गुरु की आवश्यकता है तो डॉक्टर बनने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। अब हम भाषा जो भी बोलें, गुरु ना कह करके हम और शब्द कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हमें एक प्रणेता चाहिए, हमें एक मार्गदर्शक चाहिए। गुरु मार्गदर्शक हैं और वे ऐसे मार्गदर्शक हैं अध्यात्म के क्षेत्र में जिनका कोई और तुलना नहीं किया जा सकता। गुरु सर्वोपरि होता है, फिर उसके बाद और कोई नहीं। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु की महती आवश्यकता है। आप अभी इस मंच से बहुत बार सुन चुके कि गुरु परंपरा या गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, या गुरु पूर्णिमा लोगों के भिन्न भिन्न मत है। गुरु का अर्थ होता है महान, गुरु का अर्थ होता है वजनदार। सदगुरु श्री राम रहस्य साहब ने ब्रज ग्रंथी में शायद लिखा है, गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश, मिट अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जो हमारे अंदर अंधकार है वो प्रकाश देते हैं, हमें प्रकाश की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे कहते हैं गुरु। गुरु का हमारे जीवन में जो उपकार है उस उपकार से हम उऋण नहीं हो सकते हैं। गुरु हमारे जीवन में जरा सा भी दोष बुराई कलमस आदि हैं, परम पूज्य श्री साहब जी विराजमान हो रहे हैं, बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु का जो उपकार है
उसे हम भूल नहीं सकते। गुरु हमारे जीवन में जो कुछ भी विकार है या जो कुछ भी कमी है कहें, उसको पूरा करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। कुम्हार को आप लोगों ने देखा होगा, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसको ठोक ठोक करके वो बड़ा करता है, लेकिन एक तरफ तो ठोकता है और दूसरे तरफ अंदर से सहारा देता है दूसरे हाथ से। ठीक इसी प्रकार गुरु हमारे जीवन में कुछ भी कमी है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। गुरु बोधित निज थीर पद बोले कतहु नाहि, आप सुखी दूसर सुखी सदगुरु कहिए ताहि। गुरु कैसे होते हैं? स्वयं तो सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुख के रास्ता में चलने का उपाय बताते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, सात समुद्र की मश करूं तरुलेखनी बनाए, गुरुगुण लिखा न जाए। इस प्रकार कि मैं पूरे समुद्रों को स्याही बना दूं और पूरा वन को लेखनी बना दूं, तो पर भी गुरु का जो गुण है वह लिखा नहीं जा सकता। गुरु यह हमारा जीवन बांसुरी के समान है, हमारा जीवन बांसुरी के समान है। जैसे बांसुरी में छेद होता है लेकिन उसको बजाने की कला केवल गुरु ही बताते हैं, और बांसुरी से अच्छी आवाज आने लगती है। मैं एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। ये गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास पूर्णिमा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि व्यास जी ने बहुत सारी पुस्तकों का कहा जाता है कि लेखन किया या संपादन किया, को उनके स्वागत के उपलक्ष्य में या दूसरी बात उनके जन्म के उपलक्ष्य में ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। व्यास हैं या नहीं हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में और आज का तारीख ध्यान दीजिए आप, माताओं तरफ से आवाज क्यों आ रही भाई, आप ध्यान देंगे, व्यास जी तो वर्तमान में नहीं, उनकी केवल हम सुनते हैं, लेकिन आज व्यास गद्दी पर श्री साहब जी बैठे हुए हैं, आज व्यास गद्दी पर श्री साहब जी बैठे हैं, उनका जन्मदिन आज है, 13 अगस्त को नहीं 13 जुलाई को। आज सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहब जी का आज जन्मदिन है, उनके स्वागत में आप आज के गुरु पूर्णिमा को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये गुरु पूर्णिमा बाहर की जैसा भी परंपरा चलती आ रही हो, लेकिन आज हम आज के गुरु पूर्णिमा को पूज्यवर साहब जी को समर्पित करते हैं, और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।